अब बात देश के एक ऐसे राज्य की जहां चुनाव नतीजे आए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सरकार बनाने की खिचड़ी अभी तक पक नहीं पाई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी चुनाव जीत कर भी सत्ता का फॉर्मूला नहीं बना पा रहे, एक दूसरे पर तीखे बयानों के बाण चला रहे हैं, लेकिन साथ रहने की कस्में भी खा रहे हैं। ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री पद रखने की शिवसेना की जिद पर बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है। बीजेपी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता भी चुन लिया है। यह खबर भी आ रही है कि 4 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन शिवसेना न मानी तो ये सरकार बनेगी कैसे? महाराष्ट्र में सीएम कौन और कितने दिनों का? शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की रस्साकशी के बीच ही बीजेपी ने पहला दांव खेल दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के सिर पर जीत की पगड़ी बांध दी। देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को ही साफ कर चुके हैं कि अगले 5 साल तक सरकार की बागडोर उन्हीं के हाथों में होगी, लेकिन शिवसेना अब भी आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर रातों रात इसका ऐलान करने वाले पोस्टर चिपक गए। साफ है शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता बंटवारे का कांटा गहरे धंसा हुआ है। शिवसैनिकों ने आदित्य ठाकरे को पोस्टर के जरिए अपना मुख्यमंत्री घोषित किया है। इस वक्त हम खड़े हैं मातोश्री के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री आदित्य जी ठाकरे हिचती वे, ऐसा शिवसैनिकों ने जो है वो यहां पर एक पोस्टर बैनर लगाया है, जिसके जरिए लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदित्य जी ठाकरे, यही वो समय है। ये लिखते हुए जो शिवसैनिक है उन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम जो है उसके दावेदार आदित्य ठाकरे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगली पारी के लिए तैयार हैं और निश्चिंत हैं कि सरकार तो महायुति यानी बीजेपी शिवसेना गठबंधन की ही बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद का बलिदान किए बिना ये होगा कैसे ये नहीं बता रहे। ये जो कहीं मैंडेट मिला है, निश्चितच अपने महायुतिला मिलालेला मैंडेट आहे। शिवसेना सरकार में शामिल होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? महाराष्ट्र के शेर को 50-50 सत्ता चाहिए, यानी 2.5 साल हमारा सीएम, 2.5 साल तुम्हारा सीएम, लेकिन बीजेपी तो इसे सिरे से खारिज कर रही है। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि बीजेपी शिवसेना के बीच समझदारी बनी क्या थी? ये की बैठक में तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेंगे और इसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं। लेकिन शिवसेना 24 अक्टूबर से ही बार बार याद दिला रही है कि लोकसभा चुनाव के वक्त ही तय हो गया था कि विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता का बंटवारा बराबरी का होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कहते कि 50-50 का फॉर्मूला के बारे में कोई चर्चा ही हुई नहीं, तो आप तो हमें लगता है सच का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। उस बारे में जो सीएम साहब ने जो बात की है उस वक्त होटल ब्लू सी में, वो सबके पास है, अमित शाह साहब के सामने ये बात हुई है, ये सबने पूरे देश ने देखा है। अगर अभी ये कहते हैं क्या ऐसी कुछ बात हुई नहीं, तो मैं उसको प्रणाम करता हूं ऐसी बातों। देवेंद्र फडणवीस के फॉर्मूले को सलाम नमस्ते कर चुकी शिवसेना अब क्या करेगी? उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के नेताओं का मंथन जारी है। महाराष्ट्र में सरकार कब बनेगी, इसके जवाब में संजय राउत सलाह देते हैं कि अब तो ज्योतिषियों से पूछिए। तब बनेगी कब लगातार सर? जब बन जाए तो बनेगी ना, महाराष्ट्र के कुंडली में जो लिखा है उस कुंडली के हिसाब से बनेगी। बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना को ज्यादा भाव ना देने पर अड़ी है और शिवसेना की जिद की वजह से सरकार बनाने की गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही है। बीजेपी और शिवसेना दोनों के नेता जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए साथ आना ही होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के पास छोटे सहयोगी दलों और निर्दलियों को मिलाकर 114 विधायकों का समर्थन है। वहीं 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना को अब तक 6 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है, यानी कुल 62 विधायकों का समर्थन
शिवसेना के पास है। यानी दोनों ही पार्टियां जन्नत की हकीकत जानती हैं, बिना साथ आए सरकार बनने से रही, या तो कांग्रेस और एनसीपी का रुख किया जाए। सरकार इंडिपेंडेंट एमएलए का साथ ले सकती है, मगर सरकार इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ नहीं बन सकती। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि आंकड़ों की यही मजबूरी शिवसेना और बीजेपी को फिर से साथ लाएगी और अगले 2-3 दिन में खींचतान खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि लोगों ने क्लियर मैंडेट दी है, मतदाता जो है उन्होंने जो पूरा तोल अपना है वो महायुति के लिए दिया है, भाजपा सेना आरपीआई रापसपा हमारे तरफ से दिया है। 2-3 दिन चलेगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों मिलकर ही हम सरकार स्थापन करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें। बीजेपी के भीतर ही शिवसेना के समर्थन को लेकर कई धड़े बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि शिवसेना सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी के लालच में आ चुकी है, सीटें बढ़ी हैं तो लालच तो बढ़ेगा। बीजेपी और शिवसेना ये हमारे दोन अलायंस मेन अलायंस पार्टनर है, तो उसमें थोड़ा सा शिवसेना जो है वो ज़्यादा हिस्सा चाहती है, अब उनका भी उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन सरकार तो बन जाएंगी हमारी। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री स्टेटमेंट कर रहे हैं कि भाई उसमें 2.5-2.5 साल के मुख्यमंत्री का कोई प्रस्ताव नहीं था, मुझे लगता है कि जो बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो गए। और शिवसेना ने भी ये विचार करने की आवश्यकता है कि शिवसेना से डबल आंकड़े बीजेपी के हैं, तो 2-3 मंत्री पद ज़्यादा मांगने के संबंध में अगर उनकी कोशिश है तो उस पर भी बीजेपी विचार कर सकती है। महायुति का भविष्य अगले 2-3 दिनों में तय हो जाएगा। माना जा रहा है कि गुरुवार को इस बात पर अंतिम फैसला हो सकता है कि शिवसेना का अगला कदम क्या होगा। गुरुवार को शिवसेना के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी का आत्मविश्वास फिलहाल बढ़ा हुआ है और शिवसेना के तेवर भी थोड़े नरम पड़े हैं, वरना मंगलवार तक दोनों पार्टियों के नेताओं की बातों में तल्खी इतनी ज्यादा थी कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार पर ग्रहण लगने लगा था। दोनों पार्टियों के नेता ऐलान करने लगे थे कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। पांच साल से बीजेपी और शिवसेना के बीच मजबूरी का गठबंधन था और अगले 5 साल भी दोनों को सियासी मजबूरियां ही एक दूसरे से जोड़े रखेंगी। शिवसेना बेशक चुप है, लेकिन बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार तो शिवसेना के साथ ही बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा, शपथ विधि वगैरह किसी के बगैर नहीं होगी, हमारे अकेले की नहीं होगी। मेरा मुझे जब तक लगता है, और इसके बारे में सब हमारे हाईकमांड पूरा ख्याल देकर है, और हम लोग साथ में शपथ विधि करेंगे। बातों में ये नरमी बीते 24 घंटों में आई है, वरना मंगलवार तक तो बीजेपी और शिवसेना के नेता राजनीतिक सहयोगी के बजाय सियासी विरोधियों की जुबान बोल रहे थे। संजय राउत तो बीजेपी को ये समझाने में भी जुट गए थे कि ये महाराष्ट्र है, हरियाणा नहीं। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया और चुनाव लड़े हैं, और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना की बुद्धि पर सवाल उठाए और पलटकर यहां तक कह दिया कि विकल्पों की कमी तो बीजेपी के पास भी नहीं है। विनाश का आगे विपरीत बुद्धि है, जस त्यांना पर्याय खुले आहे तर काय भारतीय जनता पार्टी का पर्याय खुले नाहीत का। जहां शिवसेना की ओर से सिर्फ संजय राउत ही नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से कई नेता मैदान में कूदकर ताल ठोकते दिख रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने तो ये कहकर तूफान ही खड़ा कर दिया कि शिवसेना होश में रहे, वरना उसके 45 विधायक बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार खड़े हैं। वो काफी नेता सीएम साहब के संपर्क में है कि कुछ भी करो और हमारी यूटी करो और सत्ता जल्दी से जल्दी स्थापन करो, ये जो बातें चल रही है वो ठीक नहीं है। और वो उनके पीछे वो कहे थे कि 45 एमएलए का हमारा इच्छा है हमारी कि हम
बीजेपी के साथ जाए और जल्दी से जल्दी युति करके मुख्यमंत्री पद पे देवेंद्र फडणवीस बैठे। क्या वाकई बीजेपी के पास शिवसेना के अलावा सरकार बनाने का कोई दूसरा विकल्प है? क्या इस बार भी बीजेपी को शरद पवार का सहारा वैसे ही मिल सकता है जैसे 2014 में मिला था? तब पवार ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर शिवसेना को हक्का बक्का कर दिया था और शिवसेना को बीजेपी की शर्तों पर एनडीए में वापस आना पड़ा था। हालांकि इस बार बीजेपी और एनसीपी दोनों ने साथ आने की चर्चा सिरे से खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी अफवाहें फैलाकर राजनीति करती है, हमें लगता है फिर वही खेल शुरू हुआ है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि पवार साहब का और प्रधानमंत्री का किसी प्रकार का कोई संवाद या टेलीफोन पे बात नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, हमारी कोई कांग्रेस से या एनसीपी से, हमारी बीजेपी की तरफ से कोई बात नहीं हो रही। महाराष्ट्र में पहले नंबर की पार्टी बीजेपी और दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना के बीच जो खेल चल रहा है उस पर एनसीपी और कांग्रेस की भी पैनी नजर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर बैठकों का दौर जारी रहा। माना जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में कोई सियासी उलटफेर हुआ तो उसके केंद्र में मराठा राजनीति के चाणक्य शरद पवार ही होंगे।